गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं संदीप राघव हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं प्रॉपर्टी जाल। आज मैं आपके लिए जो बिल्डर फ्लोर लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ एरन विले में। ये एक गेटेड, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, ठीक है, और ये सेक्टर 48 में पड़ती है। नियरेस्ट हमारा सोना रोड, ये एलिवेटेड हाईवे बना है जो की मुंबई हाईवे, मुंबई एक्सप्रेस वे जिसको बोलते हैं, और मॉल है हमारे गुड़गांव मॉल, ये सभी बिल्कुल नियर है, वॉकिंग डिस्टेंस के पास में पड़ते हैं। अच्छा पार्क बना हुआ है, शानदार सोसाइटी है, अच्छे वाइड रोड है, प्रॉपर गार्ड है, और ये 260 गज का आपके लिए 3 बेडरूम लेकर के आया हूँ, 100% इटालियन मार्बल से बना हुआ। और ये जो फ्लोर है ये ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ है, नया फ्लोर है, और इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 1 साल पहले हुई थी। G+2 बना हुआ है, तो ये अब सेल पे है। अच्छी प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन है, सो देखते हैं, लेट्स गो। आइए, जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हमारे राइट साइड में मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा, ये हमारा डाइनिंग है जहां हम खड़े हुए हैं, ये डाइनिंग एरिया है, ठीक है। इस साइड राइट साइड में किचन दी हुई है, कॉर्नर क्रॉस वेंटिलेटेड, 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम प्लस क्रॉकरी स्टैंड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। तो जैसे हम एंटर करते हैं, कोई भी हमारे घर के अंदर आएगा तो सबसे पहले देखेगा ड्राइंग रूम, कितना अच्छा स्पेस दिया हुआ है। तो ये हमारा जो ड्राइंग रूम है काफी स्पेसियस दिया हुआ है, और इसमें शैंडलियर भी अच्छे लगाए हुए हैं, 2 शैंडलियर लगे हुए हैं, एक तो ऑटोमेटिक विद रिमोट से स्टार्ट होता है, वो वाला शैंडलियर तो आप देख सकते हैं विद रिमोट से स्टार्ट होता है। और इसमें जो आप देख सकते हैं अभी ये जो फ्लोरिंग अनफिनिश्ड है, इसको भी एक कोट पे और फिनिश करेंगे, इटालियन मार्बल है, पूरे फ्लोर के अंदर तीनों बेडरूम्स में ड्राइंग डाइनिंग और किचन के अंदर इटालियन मार्बल यूज किया गया है। इसके बाद ये हमारा एक स्पेस इन्होंने दिया हुआ है, एज पर योर चॉइस है, इसको आप पूजा रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पूजा रूम में कन्वर्ट नहीं करते तो उन्होंने एक ड्रेसिंग टाइप का इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, फाइन। इसके बाद हम सबसे पहले जो करते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है किचन। तो सबसे पहले हमें आज किचन दिखाता हूं। जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये हमारी क्रॉस किचन आएगी, इसमें फैन जो लगा हुआ है वो ओरिएंट के फैन है, चिमनी और हॉब ये लगा के नहीं दे रहे हैं, बाकी अपने आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन है, और ये भी अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए हैं इसके अंदर ना सारी चीजें, और जो फास्ट फिटिंग्स इसमें दे रखे हैं, सिंक वगैरह ये सब जगुआर का है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी स्पेस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, और अपना गीजर का आप देख सकते हैं इसके अंदर में। तो सबसे अच्छा जो पार्ट लगा ये अपना माइक्रोवेव ओवन का, सबसे अच्छा जो पार्ट लगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम कहीं भी बालकनी से जैसे एंटर करते हैं नॉर्मल चीज हमें देते हैं, इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया इन्होंने अलग से दिया है, और ये सबसे अच्छा पार्ट है, उसको भी ये कवर करके दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ना स्लाइडर से कवर किया हुआ है। अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट है इसको ओपन करने की तो आप ओपन कर सकते हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगी, प्लस आपको यहाँ पे जैसे बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, किचन में आपको बर्तन साफ करने पड़ते हैं, इधर उधर छींटे लगी, इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है किचन से बाहर। तो ये अपना यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है बर्तनों का, प्लस नीचे ये अपना यहाँ पे आप आराम से बर्तन रख करके काम कर सकते हैं। इसके साथ में एक और चीज है, यहाँ पे हम इन्होंने वॉशिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो वॉशिंग भी अगर साथ के साथ, जैसे किचन में लेडीज काम करती रहे तो उसके साथ उन्होंने कपड़े धोने होते हैं, तो वॉशिंग पॉइंट भी उन्होंने यहाँ दिया हुआ था। ये चीज बहुत सेपरेट है, और सेपरेट के साथ में एक अच्छा मेरे को कंसेप्ट भी लगा इसका, जो सो नाइस ऑफ यू, जो मेरे को ये कंसेप्ट है बहुत पसंद आया। इसके बाद हम चलते हैं बेडरूम में। तो पहला जो सबसे पहला बेडरूम आएगा वो हमारा फर्स्ट बेडरूम, हमारा जैसे ही हम एंटर करते राइट में पड़ता है, तो ये फर्स्ट बेडरूम रहेगा, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और ये बेडरूम का जो हमारा है वो लेंथ है 14x12 का इसमें लेंथ दिया हुआ है, प्लस इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसमें 2.5 PM के पैनासोनिक के 3 AC लगे हुए हैं, 2 ड्राइंग डाइनिंग में और 1 लगा हुआ है मास्टर बेडरूम में, 3 AC लगा करके दे रहे हैं। इसके बाद एक और सबसे अच्छी चीज है, इन्होंने यहां से इसको डक ओपन छोड़ा हुआ है, प्लस आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क, आपको समझ में आता है चीजें आपको एकदम क्लीन आपको देखेंगे, सॉफ्ट क्लोजर के साथ में ये बताऊंगी। इसके साथ में इसके अंदर तो सबसे अच्छी चीज है, काफी स्पेसियस इसको डिजाइन करके इन्होंने सेट किया है, ये हमारा शावर एरिया है,
और इसमें जो बाथ की फिटिंग है वो सारी जगुआर की दी हुई है। इधर हमारा सेपरेट इन्होंने टॉयलेट सीट दी हुई है, इधर सेपरेट टॉयलेट सीट रहेगी, ये आप टॉयलेट सीट है, और इधर हमारा रहेगा वॉश बेसिन। तो ये हमारा वॉश बेसिन है, तो और ये भी अच्छे से इसमें लगा रखा है, लाइटिंग वगैरह दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, तो देख सकते हैं बहुत शानदार अच्छे से इसको डिजाइन करके इन्होंने किया हुआ है, और ये सब बहुत अच्छा है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में, आइए, यहां से भी इन्होंने एक्सेस दिया हुआ है जो कि हम यूटेंशियल एरिया में जा सकते हैं आराम से, यहां से भी एक्सेस करके हम किचन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद अब हमारा सेकंड बेडरूम आता है, और एक बार मैं यहां से इसको दिखाना चाहूंगा पूरे घर का लुक, कि जैसे हम एंटर करेंगे देखेंगे ड्राइंग डाइनिंग, एक बहुत अच्छी फील आती है घर के अंदर, देखेंगे जब बहुत शानदार फील आएगी। क्रॉस वेंटिलेटेड घर है, आर पार की इसमें एयर रहती है। अब हमारा सेकंड बेडरूम आता है, सेकंड बेडरूम जो है वो हमारा ये रहेगा सेकंड बेडरूम। इसकी भी आप लेंथ देख सकते हैं, हाइट लेंथ बहुत प्यारी दी हुई है, इसमें भी लगभग 12.5x14 के करीब का इसमें साइज दिया हुआ है। प्लस इसके अंदर जो सबसे अच्छी है चीज, इसमें डबल डोर की इन्होंने यहाँ पे अलमीरा दी है, आप ज्यादातर देखेंगे एक 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 अलमीरा ही होती है, जैसे एक ये दी हुई है, एक अलमीरा यहाँ पे ये दी हुई है, सेम डबल डोर की अलमीरा इधर दी हुई है, ठीक है। अलमीरा के साथ में जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद ये हमारा रहेगा अगेन, ये हमारा शावर एरिया रहेगा, टॉयलेट सीट है, और ये हमारा सिंक दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे, यहाँ पे काफी सारा इन्होंने स्पेस दिया है, प्लस यहाँ पे इसको अच्छा काफी यहाँ पे स्पेस है, तो सामान रख सकते हैं आप आराम से इजीली, और ये सब भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम में, जो कि हमारा थर्ड बेडरूम है, और उसके सामने मैं पहले पीछे बैक की बालकनी दिखाना चाहूंगा एक बार आपको, ये हमारी बैक की बालकनी है, ये इस रूम में बैक की बालकनी मिलेगी, इसका स्पेस लगभग 4.5 फुट के अराउंड में है जो आपको मिलेगा, 4.5 फुट के अराउंड में ये हमारी बैक की बालकनी है। इसके बाद में अब हम चलेंगे, हम इसके बाद में थर्ड बेडरूम में एंटर करें, ये हमारा थर्ड बेडरूम है, और अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा तीनों बेडरूम्स में आपको दिखा देता हूँ, तीनों के तीनों बेडरूम्स ड्राइंग डाइनिंग किचन इटालियन मार्बल से बने हुए हैं। ये जो रूम है ये लगभग 12x12 का है, ये सबसे छोटा रूम है इस फ्लोर के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा रहेगा शावर पॉइंट, यहाँ पे सेम जगुआर की इन्होंने फिटिंग यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे टॉयलेट सीट दी हुई है, तो ये भी काफी अच्छा स्पेस इन्होंने यहाँ भी दिया है। और एक आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, ऐसे अगर आपको नहीं पता हो तो, बेसिकली क्या है कि अगर आप G+2 लेते हैं और डिवाइडेड बाई 3 होता है, तो जो हम नए FAR की चीज यूज कर रहे हैं, हमें उतना ही FAR की हमें फ्लोर हमें यहाँ मिलता है, तो हमारा तो अगर ये लगता है कि आपको G+2 ले रहे हैं, ग्राउंड+2, तो वो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, उसमें FAR आपको पूरा ही मिलेगा, पास पूरा मिलेगा। इसके बाद हम जैसे आप फ्रंट व्यू में आते हैं, ये हमारा फ्रंट का एलिवेशन रहेगा, इसकी भी आप हाइट दे सकते हैं, लगभग 5 से 5.5 फुट से ज्यादा की दी हुई है। इन्होंने दोनों बालकनी को अलग अलग कर दिया है, बेडरूम के साथ अलग रहेगी और ड्राइंग रूम के साथ में अलग बालकनी है। एक बार मैं फ्रंट भी दिखाना चाहूंगा सोसाइटी के बाद, ये आगे ओपन कार पार्किंग रहेगी, एक एक गाड़ी की, तीन गाड़ियों की यहाँ पे स्पेशल पार्किंग दी हुई है, प्लस आपको 18 मीटर का वाइड रोड मिलता है, तो ये भी काफी स्पेसियस हो जाएगा। इसके साथ में आप देख सकते हैं पूरी सोसाइटी वेल सेटल्ड है, लोग यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। सो अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ इसके बाद, अब फ्रंट का एक बार एलिवेशन और सोसाइटी की एक बार लुक कैसी लगती है, सो लेट्स गो। अब मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि G+2 के अंदर मोस्टली क्या होता है, सबके माइंड में एक चीज रहती है कि इसमें हमें स्टेयर्स पे जाना पड़ेगा, बट मैं आपको बता देने वाला हूँ कि इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है ऑलरेडी, शिंडलर की लिफ्ट है, आप देख सकते हैं शिंडलर की लिफ्ट इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। और अब हम इसके बाद मैं आपको जो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टेयर केस है, स्टेयर केस के थ्रू भी हम जा सकते हैं, बाकी एक बार लिफ्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ बाकायदा, ये शिंडलर की लिफ्ट है हमारी। अब हम एक बार बाहर चलते हैं और बाहर का दिखाते हैं, सो लेट्स गो।
जी अब मैं आपको बता, एरन विले के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर पार्क बने हुए हैं, इसके अंदर गेटेड है, सिक्योरिटी है। आप एक बार दिखा सकते हैं, ये बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है, ये सारा बैठ के अपना आराम से, और इधर बच्चे खेल भी रहे हैं। इधर दिखा सकते हैं, ये प्रॉपर डेवलप पार्क है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, और इसमें आपको देख करके अच्छा भी लग रहा होगा। देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं आराम से, दिखा सकते हैं, और बच्चे काफ़ी अपना फुटबॉल और गेम खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको वेल सेटल्ड मिलती है और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको। फ्रंट का एलिवेशन रहेगा बिल्डिंग का, आप देख सकते हैं, इसमें हमारा जो है अवेलेबल फर्स्ट फ्लोर है, और लिफ्ट इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। और एक बार मैं सोसाइटी भी आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार इस तरफ से पूरा मूव करके। 18 मीटर मेन रोड पे ये प्रॉपर्टी है, पूरा गेटेड है, सिक्योरिटी है, गार्ड है प्रॉपर। थैंक यू।